ओम शांति। मुरली का तारीख है 31/10/2020। मीठे बच्चे, तुम्हारा फर्ज है सबको स्थाई सुख और शांति का रास्ता बताना। शांति में रहो और शांति की बख्शिश दो, शांति की इनाम दो। प्रश्न, किस गुह्य रास को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? उत्तर, ड्रामा की जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी। इसकी एक्यूरेट आयु है, बाप भी अपने एक्यूरेट टाइम पर आते हैं, इसमें एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है। पूरे 5000 वर्ष के बाद बाप आकर प्रवेश करते हैं। या गुह्य राज समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। गीत, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप पैठ समझाते हैं, बच्चों को रास्ता बताते हैं शांति दाम और सुख दाम का। इस समय सब मनुष्य विश्व में शांति चाहते हैं, हर एक इंडिविजुअल भी चाहते हैं और विश्व में भी शांति चाहते हैं। हर एक कहते हैं मन की शांति चाहिए, अब वहां भी कहां से मिल सकती है? शांति का सागर तो बाप ही है, जिससे वर्षा मिल सकता है। इंडिविजुअल भी मिलता है, होलसेल भी मिलता है, यानी सबको मिलता है। जो बच्चे पढ़ते हैं समझ सकते हैं, हम शांति का वर्षा लेने अपना भी पुरुषार्थ करते हैं, औरों को रास्ता बताते हैं। विश्व में शांति तो होनी ही है, चाहे कोई वर्षा लेने आए व ना आए, बच्चों का फर्ज है सब बच्चों को शांति देना। या समझ नहीं सकते, दो चार को वर्षा मिलने से क्या होगा? कोई को रास्ता बताया जाता है, परंतु निश्चय ना होने कारण दूसरों को आप समान बना नहीं सकते। जो निश्चय बुद्धि है वहां समझते हैं बाबा से हमको वर मिल रहा है, वरदान देते हैं ना। आयुष्मान भव, धनवान भव भी कहते हैं, सिर्फ कहने से तो आशीर्वाद नहीं मिल सकती, आशीर्वाद मांगते हैं। तो उनको समझाया जाता है, तुमको शांति चाहिए तो ऐसे पुरुषार्थ करो, मेहनत से सब कुछ मिलेगा। भक्ति मार्ग में कितनी आशीर्वाद लेते हैं, माँ बाप, टीचर, गुरु आदि सबसे मांगते हैं हम सुखी और शांत रहे, परंतु वहां रह नहीं सकते क्योंकि इतने ढेर मनुष्य है, उनको सुख शांति मिल कैसे सकती? गाते भी हैं शांति देवा, बुद्धि में आता है, हे परम पिता परमात्मा, हमको शांति की बख्शिश करो। वास्तव में बख्शिश उसको कहा जाता है जो चीज उठाकर देवे, कहेंगे या तुमको बख्शिश है, इनाम है। बाप कहते हैं बख्शिश कोई कितनी भी करते हैं, धन की, मकान की, कपड़े आदि की करते हैं, वहां हुआ दान पुण्य अल्प काल के लिए मनुष्य को देते हैं। साहूकार गरीब को अथवा साहूकार को देते आए, परंतु या तो है शांति और सुख स्थाई, यहाँ तो कोई एक जन्म के लिए भी सुख शांति नहीं दे सकते क्योंकि उनके पास है ही नहीं, देने वाला एक ही बाप है। उनको सुख शांति पवित्रता का सागर कहा जाता है। ऊंचते ऊंच भगवान की ही महिमा गाई जाती है, समझते हैं उनसे ही शांति मिलेगी। फिर वहां साधु संत आदि पास जाते हैं क्योंकि भक्ति मार्ग है ना, तो फेरा फिराते रहते हैं। वहां सब है अल्प काल के लिए पुरुषार्थ, तुम बच्चों का अभी वहां सब बंद हो जाता है। तुम लिखते भी हो बेहद के बाप से 100% पवित्रता सुख शांति का वर्षा पा सकते हो। यहाँ 100% अपवित्रता दुख अशांति है, परंतु मनुष्य समझते नहीं।
कहते ऋषि मुनि आदि तो पवित्र है, परंतु पैदाइश तो फिर भी विष से होते हैं ना। मूल बात यह है पवित्रता, मूल बात ही यह है रावण राज्य में पवित्रता हो ना सके। पवित्रता सुख आदि सबका सागर एक ही बाप है। तुम जानते हो हमको शुबाबा से 21 जन्म अर्थात आधा कल्प 2500 वर्ष के लिए वर्षा मिलता है, या तो गारंटी है। आधा कल्प सुखदाम, आधा कल्प है दुखदाम। सृष्टि के दो भाग है, एक नई एक पुरानी। परंतु नई कब पुरानी कब होती है या भी जानते नहीं। जाड़ की आयु इतनी एक्यूरेट बता ना सके। अभी बाप द्वारा तुम इस जाड़ को जानते हो या 5000 वर्ष का पुराना जाड़ है। इनकी एक्यूरेट आयु का तुमको पता है और जो जाड़ होते हैं उनकी आयु का किसी को पता नहीं होता। अंदाजा बता देते हैं, तूफान आया, जाड़ गिरा, आयु पूरी हो गई। मनुष्यों का भी अचानक मौत होता रहता है। इस बेहद के जाड़ की आयु पूरे 5000 वर्ष है। इसमें एक दिन ना कम ना जास्ती हो सकता है या बना बनाया जाड़ है, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा में जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी, हुबहू रिपीट होना है। आयु भी एक्यूरेट है, बाप को भी नई दुनिया स्थापन करने आना है। एक्यूरेट टाइम पर आते हैं, एक सेकंड का भी इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। या भी अब तुम्हारी बेहद की बुद्धि हुई है, तुम ही समझ सकते हो। पूरे 5000 वर्ष बाद बाप आकर प्रवेश करते हैं, इसीलिए शिवरात्रि कहते हैं। कृष्ण के लिए जन्माष्टमी कहते हैं, शिव की जन्माष्टमी नहीं कहते, शिव की रात्रि कहते हैं। क्योंकि अगर जन्म हो तो फिर मौत भी हो। मनुष्यों का जन्मदिन कहेंगे, शिव के लिए हमेशा शिवरात्रि कहते हैं। दुनिया में इन बातों का कुछ भी पता नहीं। तुम समझते हो शिवरात्रि क्यों कहते हैं, जन्माष्टमी क्यों नहीं कहते? उनका जन्म दिव्य अलौकिक है, जो और कोई का हो नहीं सकता। या कोई जानते नहीं शुबाबा कब कैसे आते हैं। शिवरात्रि का अर्थ क्या है तुम ही जानते हो। यह है बेहद की रात। भक्ति भी अब पूरी हो रही है। भक्ति की रात पूरी हो दिन होता है। ब्रह्मा की रात और दिन फिर ब्राह्मणों का भी हुआ। एक ब्रह्मा का केल तोड़े ही चलता है। अब तुम जानते हो अब दिन शुरू होना है। पढ़ते पढ़ते जाए अपने घर पहुंचेंगे, फिर दिन में आएंगे। आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात गाई जाती है, परंतु किसी की भी बुद्धि में नहीं आता। वो लोग तो कहेंगे कि कलयुग की आयु 40,000 वर्ष बाकी है, सत्युग की आयु लाखों वर्ष है, फिर आधा आधा का हिसाब ठहरता नहीं। कल्प की आयु को कोई भी जानते नहीं। तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो या 5000 वर्ष के बाद सृष्टि चक्र लगाती रहती है। विश्व तो है ही, इनमें पार्ट बजाते बजाते मनुष्य ही तंग हो जाते हैं। या क्या आवागमन है? अगर 84 लाख जन्मों का आवागमन होता तो पता नहीं क्या होता। ना जानने के कारण कल्प की आयु भी बढ़ा दी है। अभी तुम बच्चे बाप से सम्मुख पढ़ रहे हो, अंदर में वासना आती है। हम प्रैक्टिकल में पढ़ रहे हैं, हम अभी प्रैक्टिकल में बैठे हैं बाप के सम्मुख। पुरुषोत्तम संगम युग को भी जरूर आना है। कब आता है, कैसे आता है, या कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो तो कितना गदगद होना चाहिए।
तुम्ही कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते हो, अर्थात माया पर जीत पाते हो फिर हारते हो। यह है बेहद की हार और जीत। उन राजाओं की तो बहुत ही हार जीत होती रहती है, अनेक लड़ाइयां लगती रहती है। छोटी सी लड़ाई लगती है तो कह देते अब हमने जीता। क्या जीता? तोड़े से टुकड़े को जीता। बड़ी लड़ाई में हारते हैं तो फिर झंडा गिरा देते हैं। पहले पहले तो एक राजा होता है, फिर और वृद्धि होते जाते हैं। पहले पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर और राजाए आने शुरू हुए। जैसे पोप का दिखाते हैं, पहले एक था फिर नंबर वार और पोप भी बैठते गए। किसी की मृत्यु का तो ठिकाना ही नहीं है ना। तुम बच्चे जानते हो हमको बाबा अमर बना रहे हैं, अमरपुरी का मालिक बना रहे हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। यहाँ है मृत्यु लोक, वहां है अमर लोक। इन बातों को नया कोई समझ ना सके, उनको मजा नहीं आएगा जितना पुरानों को आएगा। दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहते हैं, निश्चय पक्का हो जाता है। इसमें सहनशीलता भी बहुत होनी चाहिए। या तो असुरी दुनिया है, दुख देने में देरी नहीं करते। तुम्हारी आत्मा कहती है हम अभी बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, हम संगम युग पर है, बाकी सब कलयुग में है। हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। पुरुषों में उत्तम पुरुष पढ़ाई से ही बनते हैं, पढ़ाई से ही चीफ जस्टिस आदि बनते हैं ना। तुमको बाप पढ़ाते हैं, इस पढ़ाई से ही अपने पुरुषार्थ अनुसार पद पाते हो। जितना जो पढ़ेंगे उतना ग्रेड मिलेगी, इसमें राजाई की ग्रेड है। वैसे उस पढ़ाई में राजाई की ग्रेड नहीं होती है। तुम जानते हो हम राजाओं का राजा बन रहे हैं तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। हम डबल सिरताज बहुत ऊंच बनते हैं। भगवान बाप हमको पढ़ाते हैं। कभी कोई समझ ना सके कि निराकार बाप कैसे आकर पढ़ाते हैं। मनुष्य पुकारते भी है हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। फिर भी पावन बनते नहीं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। तुम एक तरफ पुकारते हो कि पतित पावन आओ, अब मैं आया हूं कहता हूं बच्चे पतितपना छोड़ दो, तो तुम छोड़ते क्यों नहीं? ऐसे तोड़े ही बाप तुमको पावन बनाए और तुम पतित बनते रहो। देर ऐसे पतित बनते हैं, कोई सत्य बताते हैं बाबा या भूल हो गई। बाबा कहते हैं कोई भी पाप कर्म हो जाए तो फौरन बताओ। कोई सच कोई झूठ बोलते हैं, कौन पूछते हैं? मैं तोड़े ही एक एक के अंदर को बैठ जानूंगा। या तो हो ना सके, मैं आता ही हूँ सिर्फ राय देने। पावन नहीं बनेंगे तो तुम्हारा ही नुकसान है। मेहनत कर पावन से फिर पतित बन जाएंगे तो की कमाई छट हो जाएगी, लज्जा आएगी। हम खुद ही पतित बन पड़े हैं, फिर दूसरों को कैसे कहेंगे कि पावन बनो? अंदर कायिका कि हमने कितना फरमान का उल्लंघन किया। यहाँ तुम बाप से डायरेक्ट प्रतिज्ञा करते हो, जानते हो बाबा हमको सुखदाम शांतिधाम का मालिक बना रहे हैं। हाजिर नाजिर है, हम उनके सम्मुख बैठे हैं। इनमें पहले या नॉलेज तोड़े ही थी, ना कोई गुरु ही था जिसने नॉलेज दी। अगर गुरु होता तो सिर्फ एक ज्ञान देंगे क्या? गुरुओं के फॉलोअर्स तो बहुत होते हैं ना, एक तोड़े ही होगा। या समझने की बातें है ना, सतगुरु तो है ही एक, वह हमको रास्ता बताते हैं, हम फिर दूसरों को बताते हैं। तुम सबको कहते हो बाप को याद करो, बस ऊंचते ऊंच बाप को याद करने से ही ऊंच पद मिलेगा। तुम राजाओं के राजा बनते हो, तुम्हारे पास अनगिनत धन होगा।
तुम अपनी जोली बरते हो ना, तुम जानते हो बाबा हमारी जोली खूब बर रहे हैं। कहते हैं कुबेर के पास बहुत धन था, वास्तव में तुम हर एक कुबेर हो, तुमको वैकुंठ रूपी खजाना मिल जाता है। खुदा दोस्त की भी कहानी है, उनको जो पहले मिलता था उसको एक दिन के लिए बादशाही देते थे। यह सब दुष्टांत है, अल्लाह माना बाप वहां अवलुद्दीन रचता है, फिर साक्षात्कार हो जाता है। तुम जानते हो बरोबर हम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, इस असुरी दुनिया में बहुत बहुत सहनशील बनकर रहना है। कोई गाली दे दुख दे तो भी सहन करना है, बाप की श्रीमत कभी नहीं छोड़नी है। सेकंड पॉइंट, डायरेक्ट बाप ने पावन बनने का फरमान किया है, इसीलिए कभी भी पतित नहीं बनना है। कभी कोई पाप हो तो छिपाना नहीं है वरदान, परमात्मा मिलन द्वारा रूरिहान का सही रेस्पॉन्स प्राप्त करने वाले बाप समान बहुरूपी बवा। जैसे बाप बहुरूपी है, सेकंड में निराकार से आकारी वस्त्र धारण कर लेते हैं, ऐसे आप भी इस मिट्टी की ड्रेस को छोड़ आकारी फरिश्ता ड्रेस, चमकीली ड्रेस पहन लो तो सहज मिलन भी होगा और रूरिहान का क्लियर रेस्पॉन्स समझ में आ जाएगा, क्योंकि यह ड्रेस पुरानी दुनिया की वृत्ति और वाइब्रेशन से माया के वाटर या फायर से प्रूफ है। इसमें माया इंटरफियर नहीं कर सकती। स्लोगन, दृढ़ता असंभव से भी संभव करा देते हैं, दृढ़ता असंभव को भी संभव करा देती है। अच्छा, ओम शांति।